तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ ग्रेट टीवी डील्स जो ऑफर चल रहे हैं आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम है लक्ष्मण, आप देख रहे हैं टेक डिवीजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल में कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल बटन जरूर दबाइएगा नोटिफिकेशन के लिए। किसी भी टीवी को आप बाय कर रहे हैं, ध्यान रखना कि आप एक लार्जर अप्लायंस बाय कर रहे हो, आप टीवी बाय कर रहे हो। सो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैं एवरी वीडियो में आपको बताता हूँ, अच्छी कस्टमर सर्विस होना बेहद जरूरी है। मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी ये गारंटी या वारंटी नहीं देगी कि आप एक ब्रांडेड टीवी बाय कर रहे हो तो आपका टीवी पर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका एक नॉन ब्रांडेड टीवी है तो आपको बार बार प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी टीवी का, वो चाहे ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड हो, किसी भी टीवी पर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइम पर आ सकती है। सो कोई भी टीवी आप बाय कर रहे हो, एक लार्जर अप्लायंस है, ये मोबाइल फोन नहीं है या कोई छोटा अप्लायंस नहीं है, आप किसी भी सर्विस सेंटर पर जाके उसको रिपेयर कर लोगी तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है। सो जनरली कभी भी आप लार्जर अप्लायंस यानी टीवी जब बाय कर रहे हैं, मैं इसीलिए आपको एवरी वीडियो पर शेयर करता हूं आपसे कि कस्टमर सर्विस अच्छी होना बेहद जरूरी है, सो दैट आपको डाउन टाइम, आपका डिफेक्टिव का जो टाइम रहता है, MTTR कम होना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मेरा लिंक पर चला जाओ, डिस्क्रिप्शन में चला जाओ, जाके टीवी बाय कर लो, बेहतरीन टीवी है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस चैनल पर जो भी वीडियो चलता है बेस्ड ऑन आपका कमेंट्स, ओपिनियन, फीडबैक एंड मेरा एनालिसिस। सो मैं वो चीज आपको बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं 32 इंच, 43 इंच, 40, 50 इंच, 55 इंच के कौन सा टीवी पर आपको कितना ऑफर मिलती है, आपको कौन सा स्क्रीन साइज वेरिएंट पर आपको कौन सा मॉडल और कौन सा ब्रांड का टीवी को चूज करना चाहिए, डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, सो दैट आपको समझ में आएगा कौन सा स्क्रीन साइज पर, कितनी प्राइस पर, कौन से टीवी को बाय करना है, और ध्यान रखना है कि कस्टमर सर्विस थोड़ा ठीक ठाक होना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका माइंड पर हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, और अगर कमेंट बॉक्स पर नहीं भी पूछना चाहते हो, नीचे जो ईमेल आईडी है वहां पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि आपको सबको पता है, जब भी मेरे पास कोई भी मेल आता है या फिर कमेंट्स आता है, मैं रिप्लाई जरूर देता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज का 4K 43 इंच स्क्रीन साइज का कुछ टीवी ऑफर्स। सो जैसे कि आप स्क्रीन का ऊपर में देख पा रहे हैं, सो पहला टीवी यहां पर आप देख सकते हो LG का 4K स्मार्ट टीवी है, जिसका प्राइस आप देख रहे हैं 26,499। सिमिलरली आप रियलमी का बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले हैं, बहुत सारा वीडियोज है, आप देख सकते हो, बाय करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना क्योंकि पहले मैंने पॉइंट आपको बताया हुआ है। सो नेक्स्ट आपको MI का 4K 43 इंच जो कि 26,500 में आपको मिलेगी। सिमिलरली आपको मार्क क्यू का 4K 43 इंच टीवी है, सो यहाँ भी आपको 17,249 सबसे आपको शायद लोएस्ट प्राइस पर आपको मिल रहा है। सिमिलरली थम्सन का 4K 43 इंच आपको 17,749 रुपीज़ में मिल रहा है। व्यू का 4K स्मार्ट टीवी आपको 22,501 रुपीज़ पर मिलेगी, और यहाँ पर आपको सैमसंग का 4K 43 इंच जो कि न्यू सीरीज, यहाँ पर आपको 28,499 पर मिलेगी। सिमिलरली आपको सोनी के 4K टीवी आपको मिलेगी 43 इंच 40,500 पर, और लास्ट में आपको मोटरोला का 4K 43 इंच जो कि 22,501 रुपीज पर मिलेगी। और इन सारे टीवीज यानी फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज पर ये आपको जो भी 9 टीवीज है 4K 43 इंच पर, कौन सा टीवी को अगर बाय कर रहा है आपको कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपका बजट थोड़ी सी ज़्यादा है यानी बिग बिलियन डेज का ऑफर का प्राइस का हिसाब से, तो फिर आप पहला एक को चूज कर लेना जो कि LG का 4K स्मार्ट टीवी। सिमिलरली आप सैमसंग का नियो को भी चूज कर सकते हो जो कि 28,500 मिल रहा है, और सोनी का 4K टीवी जो कि 40,500 पर मिल रहा है। मैं इन्हीं सारे टीवीज को पहला प्रिफरेंस आपको देता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो का स्टार्ट में बताया था, अगर रिमेनिंग जितना सारा टीवीज है, एक टीवी छोड़कर मैं आपको बताया क्यों, अगर और कोई टीवी आपका प्राइस मतलब आपका बजट जो है काफी कम। चलिए अब बात करते हैं 55 इंच 4K टीवीज का ऑफर में। सो पहला जो टीवी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं व्यू का ग्लो आपको 33,500 पर मिल रहा है, ये एक नए टीवी है, रिसेंटली लॉन्च हुई। सिमिलरली आपको आई फाल्कन और LG के 55, और आपको प्राइस आप ऊपर में देख रहे हो, सो बार बार आपको बता के इरिटेट नहीं करना चाहता हूँ। सिमिलरली वन प्लस टीवी 55, सैमसंग का क्रिस्टल सीरीज, थम्सम, और यहाँ पर आपको ब्लैंकपुट, मोटरोला,
सिमिलरली थम्सन, ये दूसरा मॉडल है थम्सन की। सो अगर इन टीवीज में किसी टीवीज को आपको चूज करना है तो यहाँ पर भी मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगी आपको नंबर 3 एंड नंबर 5। सो नंबर 3 इज आपको एल, नंबर 5 मेरा सैमसंग का 4K क्रिस्टल। अगर इन दोनों टीवी में से अगर आपका इस बजट पर फिट नहीं होता है तो फिर आप देख लेना मोटरोला का 55, ये लास्ट वाला। कर लेते हैं 4K 50 इंच टीवी। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, सो 50 इंच पर आपको वीयू का ग्लो LED एंड यहाँ पर MI का रिसेंटली जो टीवी लॉन्च हुआ था 4K टीवी। थर्ड वन इज आपको सैमसंग का 4K क्रिस्टल। सिमिलरली सोनी का, नेक्स्ट आप आई फाल्कन एंड कोडा का 50, ब्लैकवुड का 50, मोटरोला 50। सो 50 इंच अगर आपका प्रायोरिटी है इन्हीं 9 टीवी में से किसी टीवी को चूज करना है तो ऑलरेडी सैमसंग 4K क्रिस्टल जो है, मैंने मेरा चैनल पर बहुत सारा वीडियोज है, मैं इसको यूज किया है, नो डाउट एक इसी प्राइस रेंज पर आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी, वाइब्रेंट पिक्चर क्वालिटी प्रोड्यूस करती है। बट यहाँ पर भी मैं आपको दो ऑप्शन देना चाहता हूँ। पहला प्रायोरिटी आपको ये रहेगी सैमसंग एंड सोनी, और नेक्स्ट प्रायोरिटी आपको रहेगी यहाँ पर मोटरोला एंड द लास्ट वन इज आपको कोडाक का 50। फुल HD टीवीज, सो फुल HD टीवीज पर आपको जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर हम देख कर रहे, सो पहला आपको MI, सेकेंड आपको रियलमी, थर्ड आपको OnePlus, ब्लैंकपुट, थम्सन, कोका और यहाँ पर आपको मोटरोला, इन्फिनिक्स, आई फाल्कन। सो अगर इन 9 में से किसी टीवी को प्रायोरिटी का हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ, पहले आप चूज कर सकते हो MI, सेकेंड वन आपको मोटरोला, थर्ड वन आपको थम्सन। ऐसे 1, 2, 3 में बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये पहला है, ये सेकेंड है, ये दूसरा है। आप इन्हीं 3 टीवी और आपको नो डाउट इन्फिनिक्स 40 इंच अच्छी टीवी है, इसको भी आप देख सकते हो। लास्ट यानी हमारा 32 इंच का टीवी। सो अगर जस्ट आपको घर में टीवी ही रखने, ज़्यादा कुछ इस्तेमाल आप नहीं करते, तो आप इन 32 इंच टीवी को भी बाय कर सकते हो। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, रियलमी पहला में, फिर थम्सन, LG, ब्लैंकपुट, आई फाल्कन, OnePlus, नोकिया, मोटरोला, कोडाक। सो अगर इन 9 में से किसी एक को पहला प्रायोरिटी चूज करना है और आपका बजट भी थोड़ा लेस देन 12,000 है तो पहला आप चूज कर सकते हो LG, ये वाला जो 3 टीवी। सिमिलरली अगर सेकंड ऑप्शन आप बताओगे तो फिर यहाँ पर आपको मोटरोला 10,800 पर आपको मिलेगी एंड थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ थम्सन एंड फोर्थ ऑप्शन इज आई फाल्कन। आप देख लेना आपका प्राइस का फिट का हिसाब से आप इन टीवी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यही थे कुछ टीवी जो 32 इंच से लेकर 55 इंच 4K तक आपको कितना प्राइस पर मिलता है और कौन सा टीवी को आपको बाय करना है। पहला जो पॉइंट आपको बताया था वो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये जितना भी मैंने आपको टीवीज बताया ये फ्लिपकार्ट पर ऑफर में चल रहे हैं। अब बात करने वाले हैं हम लोग अमेजन के ग्रेट इंडियन फेस्टिव सीजन का जो ऑफर चल रहा है टीवीज पर। कुछ टीवीज जो है यहाँ पर आपको बताने के टाइम में रिपीटेड हो सकता है क्योंकि मैं ऐसे ही इंस्टेंटली वीडियो बना रहा हूँ, बट आप ध्यान रखना आपको प्राइस जो है सेम प्राइस पर मिलेगी, वो चाहे अमेजन पर हो और फ्लिपकार्ट पर हो। लेकिन कुछ कुछ टीवी जो है फ्लिपकार्ट पर लॉन्च हुई थी तो वहाँ पर फ्लिपकार्ट पर आपको अवेलेबल हुए, और कुछ टीवी जो है अमेजन पर लॉन्च हुई थी तो इसलिए आपको अमेजन पर भी अवेलेबिलिटी है, और कुछ कॉमन टीवीज है जो दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल है, आपको सेम प्राइस पर आप बाय कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं अमेजन डील्स के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको रेडमी का 50 इंच 4K आपको 25,500 पर मिलेगी, और यहाँ पर मैं प्राइस आपको नहीं पढ़ के सुना सकता हूँ क्योंकि वीडियो काफी आपको इरिटेटिंग लग सकता है। सो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कौन सा टीवी आपको कितने अच्छी प्राइस पर अवेलेबल है, आप स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हो। सिमिलरली आपको OnePlus का 43, ये भी 4K इंच टीवी है, सोनी का 55 इंच टीवी है, सैमसंग का 4K क्रिस्टल सीरीज वहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, और ये आपको LG का भी दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और यहाँ पर 32 इंच सीरीज HD 100 LED टीवी का जो प्राइस है यहाँ पर 9,900। सो ये एक नंबर 1 बेस्ट सेलर टीवी ऑफ द वीक बोल के लिखा भी गया है। इसका बात करें तो आपको OnePlus और Hisense का ये टीवी जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ था, यहाँ पर Acer भी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था, 4K क्रिस्टल प्रो सीरीज भी आप देख सकते हो उसका प्राइस। सो ये सारे के सारे आपको देख सकते हो 58 इंच, 55 इंच, 55 इंच, ये भी 50 इंच का टीवी आपको इतना ऑफर पर आपको अवेलेबल है। अब बात करेंगे रेडमी का 4K 43 इंच का, तो आपको
यहाँ पर 21,250 रुपीज़ पर मिलेगी, लोएस्ट प्राइस इन ईयर्स बोल के मेंशन है। और कुछ टीवी ब्रांड का बारे में, 55 इंच का ये आप देख सकते हो, क्रोमा का है आपको 36,740 रुपीज़ में। सिमिलरली वीयू का स्मार्ट आईपीएस पैनल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 55 इंच का 29,740 पर। TCL का 40 इंच फुल HD जो कि 15,000 अप्रोक्स 300 पर मिलेगी। और अमेजन बेसिस का 43 इंच फुल HD LED फायर TV है, इसको आपको प्राइस है 21,250 रुपीज़। और यहाँ पर आपको नंबर वन स्मार्ट TV ब्रांड स्मार्टफोन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो Redmi का MI TV 5X जो कि 50 इंच का जो प्राइस रखा है 31,750 रुपीज़। सो 32 इंच का कुछ TV अगर आप बाई करना चाहते हो तभी भी आपको यहाँ पर अच्छी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हो। सो ये भी आपको 4K MI TV 4K 43 इंच आपको 24,000 पर मिल रहे हैं। ये जितना भी प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ या स्क्रीन के ऊपर में आपको शो हो रहा है, ये सारे के सारे इंक्लूसिव बैंक ऑफर के साथ आपको मिल रहे हैं। सो जो भी TV आपको ऊपर में बताया उसका अलग अलग स्क्रीन साइज का प्राइस यानी ऑफर प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो। सो कोई भी डाउट हो इस वीडियो के बारे में, इस ऑफर के बारे में और कोई TVs के बारे में, आप ज़रूर हमें कमेंट करके पूछें और मेल भी कर सकते।